एवरीवन। तर आजपासून आपण आपल्या लाईव क्लासेसची सुरुवात करत आहे। आपली जी बॅच आहे ही स्पेशली ज्युनियर असिस्टंट अकाउंटंट या पदासाठी आपण आजपासून आपला क्लास चालू करतोय। तर या बॅचची मध्ये आपण 110 मार्क्स जे आपला प्रोफेशनल नॉलेज आहे त्याबद्दल डिस्कशन करणार आहे। तर यामध्ये स्पेशली 110 मार्क्सचा जो आपला क्रायटेरिया आहे म्हणजे सब्जेक्ट आहे 150 मार्क्सपैकी, तर यामध्ये प्रोफेशनल नॉलेजमध्ये बऱ्याच साऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन आहे की नेमकं सिलेबसमध्ये काय येणार आहे। ठीक आहे, ते महत्त्वाचं आपण डिस्कस करूया। पण त्याच्या आधीसुद्धा महत्त्वाचं म्हणजे की या एक्झामसाठी जेवढेही पात्र होणारे लोक आहेत ते सगळे बी कॉम आणि बी बी ए आणि बी एम एस जे क्वालिफाईड झालेले आहेत त्यांनाच या एक्झामला अप्लाय करता येतो। मग आता तुम्ही सध्या पाहताची सध्याची परिस्थिती कॉम्पिटिशन सगळ्या ठिकाणी आहे, बरोबर। आणि ही सगळी कॉम्पिटिशन असताना मग आपल्याला जेवढं नॉलेज आहे तेवढं प्रत्येकालाच बेसिक नॉलेज आहे याचा आपण एक कन्सिडरेशन घेऊन चालूया। महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला फक्त अवांतर नॉलेज म्हणजे एक ओव्हरव्ह्यू जर तुम्ही घेताय तर ते चालणार नाही आहे। या ठिकाणी तुम्हाला इनडेप्थ नॉलेज असणं खूप आवश्यक आहे। ठीक आहे, आणि बऱ्याच लोकांचा असा ग्रह आहे की बा फक्त मी 11वीचा आणि 12वीचा अकाउंट्स वाचून घेतो आणि बस मी 150 मार्काचा पेपर सॉल्व करून येऊ शकतो। तर एवढं सोपं असतं तर कदाचित सर्वच्या सर्वच त्या ठिकाणी जॉईन झाले असते आणि लागले पण असते, पण एवढ्या जागा कमी आहेत। ॲप्लिकेशन फॉर्म अराउंड 1 लाखाच्या जवळपास येऊ शकतात, कारण तुम्हाला माहिती आहे दरवर्षी बी कॉम ग्रॅज्युएट आपल्या विद्यापीठामध्येच किती सारे 2000 ते 3000 लोक होतात बी कॉम फायनलचे, आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठांमध्ये भरपूर सारे होतात। आणि 6 वर्षाच्या आधी झालेली पदभरती आत्तापर्यंत रखडलेली होती, आत्ता आलेली आहे। म्हणून आपल्याला या ठिकाणी कॉन्सेप्च्युअल नॉलेज असणं आवश्यक आहे। आणि या ठिकाणी त्यांनी एक मोठी अट अशी दिली आहे, त्यांनी असं स्पेसिफिकली कुठेच मेन्शन नाही केलं आहे की फक्त या एक्झाममध्ये अकाउंट्सच येणार आहे, त्यांनी कुठेही एक गोष्ट मेन्शन केलेली नाही आहे। या एक्झाममध्ये आपल्याला कशाकशाची स्टडी करायची आहे तर मोस्ट कॉमन जे सब्जेक्ट आहे जे प्रत्येक विद्यापीठामध्ये बी कॉमच्या विद्यार्थ्यांना असतात तर ते कोणते आहेत, त्यामध्ये पहिला आपला सब्जेक्ट कोणता असतो बेटा, हा सर्वांना मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट आहे, कोणता आहे, हा अकाउंट्स। अकाउंटसोबत त्याचा सब पार्ट आहे फायनान्शियल अकाउंट्स, त्यासोबत कॉस्ट अकाउंट, त्यासोबत मॅनेजमेंट अकाउंट्स, ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स म्हणजे बरेच सारे सब्जेक्ट या ठिकाणी आले आहेत। आणि या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेशन वगैरे काही करायचे नाही आहे जास्त, या ठिकाणी कॉन्सेप्च्युअल बेसिसवर तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये क्वेश्चन येईल। या ठिकाणी GST पण रिसेंटली आलेला आहे त्याच्यावर पण क्वेश्चन येऊ शकतात। यासोबतच अजूनही इकॉनॉमिक्ससारखा सब्जेक्ट आहे, त्या ठिकाणी बेसिक्स ते तुम्हाला विचारू शकतात। म्हणजे बऱ्याच सारे सब्जेक्ट आहे आणि फक्त आपल्याला 110 मार्क्ससाठी येणार आहे। फक्त आहे का ते नाही आहे, म्हणजे जो आपला ग्रह आहे की फक्त बा मी 11वीचं एक अकाउंट वाचून जाणार आणि मी ह्या सब्जेक्टमध्ये चांगला स्कोर करून येणार, माझी एक जागा फिक्स आहे, तर असं होणं थोडं कठीण आहे। कारण कॉम्पिटिशन पहिल्यापेक्षा जास्त आणि अवेअरनेस वाढलेली आहे, मुलांना माहीत आहे की यावेळेस आपल्याला ही जागा घ्यायची आहे कारण कॉमर्सचं नॉलेज आपल्याकडे ऑलरेडी आहे आणि मी या जागेत लागतो। फक्त तुम्हीच नाही तर मला वाटतं जेवढे काही जॉब करणारे लोक आहेत प्रायव्हेट कंपनींमध्ये ते पण या जागेसाठी प्रिपरेशन त्यांनी पण सुरू ऑलरेडी केलेली आहे। तर आपण यावर आज जास्त डिस्कशन नाही करणार आहे, आज आपला महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे, आपण आज टॉपिकवर सुरू करूया। आपण आज डिस्कशनची सुरुवात करणार आहे, तर आपण जे महत्त्वाचं आज डिस्कशन करणार आहे सुरुवात करणार आहे आपण बुक कीपिंगपासून। ठीक आहे, सो बघा लक्ष द्या, कुठलाही व्यक्ती एखादा व्यवसाय करतो, तुझं नाव काय बेटा, फॉर एक्झाम्पल ओमचं एक छोटंसं स्टोअर आहे, त्या ठिकाणी ओम काय करतो
ग्रोसरी सेल आउट करतो, म्हणजे त्या ठिकाणी साखर असेल, ऑइल असेल आणि बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत. तू हसते बेटा, लक्ष दे इकडे. तर ह्या गोष्टी तो सेल आउट करतो आहे. का करतो आहे? वाय? प्रॉफिट कमान आहे. एखादा व्यक्ती नोकरी करतो, कशासाठी करतो? पैशासाठी. व्हेरी गुड. कशासाठी? गरजा भागवण्यासाठी. म्हणजे पैसा कशासाठी वापरतो आपण? फॉर पर्चेसिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ठीक आहे. मग प्रत्येक व्यक्तीला पैसा हवा असतो आणि प्रत्येक व्यक्ती काय करतो? मग आपापल्या पद्धतीनं पैसा कमावण्यासाठी प्रयत्न करतो. सो जेव्हा एखादा व्यक्ती व्यवसाय करतो, फॉर एक्झाम्पल ओमनं जर दुकान सुरू केलं, तर ओमला काय करावं लागेल? जर त्याला प्रॉफिट कमवायचं आहे किंवा प्रॉफिट कमावलं पण ते मला माहीत नाही ॲक्च्युली किती आहे, तर त्यासाठी ओम काय करणार? काय वाटते ओम, तुला काय करावं लागेल? मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूने जे दुकानदार पाहता, बेटा छोटे छोटे त्यांच्याकडे रजिस्टर असतात, या रजिस्टरवर खूप सारे पेजेस आहे आणि प्रत्येक पेजवर ते काय करत आहेत? लिहित आहे की या व्यक्तीने या तारखेला एवढ्या रुपयाचा सामान नेला आहे, त्यानंतर एवढ्या रुपयाचा नेला आहे, त्यानंतर एवढ्या रुपयाचा नेला आहे, एवढ्या रुपयाचा नेला आहे. रेकॉर्ड करत जातो. अल्टिमेटली तो करतो की बा तुमच्याकडे एवढे पैसे झालेले आहेत आणि आता तुम्हाला मला पेमेंट करायचं आहे. पेमेंट मिळाल्यावर तो लिहून घेतो आणि त्या ठिकाणी त्याचा अकाउंट्स क्लोज करतो. बिलकुल अशा पद्धतीने. हा, यानं का केलं? हे पेज कट का केलं आणि समोरच्या पेजवर तो निघून गेला आहे किंवा ती पेज भरल्यानंतर तो पुढच्या पेजवर तो बॅलन्स समोर घेऊन जातो, कारण त्याला अकाउंट्सचं नॉलेज नाही आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय बुक कीपिंग बच्चो? इट मीन्स नथिंग बट द रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन. रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन कॅन से. सो व्हॉट यू नीड, अब उसको कुछ भी नहीं करना है. वो क्या करेगा? कोई एम्प्लॉय हायर करेगा जिसको अकाउंट्स का क्या है, नॉलेज है. वो इसके लिए क्या करेगा? सारे इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेगा? मेंटेन करेगा. बच्चे मोर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ये शब्द है. कौन से ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन. अगर जेठालाल बबीता जी के लिए कुछ गिफ्ट अपने दुकान से लेके जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने फ्रिज लेके गया है, तो क्या आप रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे, बट इतना ही मेंशन करेंगे कि उसने ड्राइंग कर दिया है, इतना तो पता है सबको. यस और नो? अब उस फ्रिज का क्या हुआ, इससे हमें कुछ लेना देना है क्या? नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट देर शुड बी अ रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली कौन से ट्रांजेक्शन बच्चों? बिजनेस ट्रांजेक्शन. और हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बुक कीपिंग. सो इन सिंपल फॉर्म बेटा, सब लोग ध्यान से देखना. इन सिंपल फॉर्म, अगर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बुक कीपिंग, सो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? सबसे पहले जर्नल एंट्री. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय जर्नल एंट्री? अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो ठीक आहे, झालं का? राहू दे ना, आजचे दिवस कसं पण चालू द्या, डिस्टर्ब होते इकडे, फोकस करावं लागतं. ठीक आहे, ऑनलाईनवाले तेवढे ॲडजस्ट करून घेतील. बेटा व्हॉट इज मीन बाय जर्नल एंट्री? इट मीन्स सिस्टमॅटिक रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. अब चलो इसने बिझनेस चालू कर दिया. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा हा काय आणणार आहे? कॅपिटल. कॅपिटल माने जो भी उसने लाया आहे. ठीक आहे, उसके साथ साथ ये और क्या करेगा? बँक से लोन लेगा, ये परचेस करेगा, ये सेल करेगा, ये रेंट देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेगा, ये वेजेस के चार्जेस देगा, ये सैलरी करेगा, ये रेंट पे करेगा, ये पोस्टेज करेगा. ये सो नो? सो दीज ऑल आवर बिजनेस एक्सपेंसेस, है ना. और इनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना मतलब क्या भाई? एक तारीख को अगर पहला ट्रांजेक्शन होता है तो उसको एक तारीख को लिखो, है ना. और इसके बाद में महीने के लास्ट तक जाएंगे तो इनके बीच में प्रॉपर डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखते हुए जाना. सो यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए डाल देंगे जर्नल एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रैंडमली. एम आई राइट? नो, यू कैंट राइट इट रैंडमली. यू शुड बी राइट इन अ सिस्टमेटिक वे. इट मीन्स दैट देर शुड बी अ बच्चों क्या? डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड देर शुड बी अ फॉर्मेट. वहाँ पर क्या आपके पास है? फॉर्मेट भी है. और उस फॉर्मेट के जरिए हमको क्या करना है? रिकॉर्डिंग करते हुए जाना है.
एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस जर्नल एंट्रीज, ये किसका रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, जो भी रिकॉर्ड करना है ये हम इसे क्या कहेंगे बेटा, दीज आर आवर, सुनना ध्यान से अब, दीज आर आवर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किसका रिकॉर्डिंग करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके साथ मैं एक और शब्द को ऐड करता हूं इधर, एंड इवेंट्स, किसको ऐड करता हूं बच्चों मैं, इवेंट्स। सो यू ऑल नो व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ओम ने बिजनेस में कैपिटल लाया, ओम ने गुड्स को परचेस किया है, ओम ने गुड्स को सेल किया है, दीज आर ऑल बच्चों ये क्या है सारे हमारे लिए ट्रांजैक्शन है ना। तो ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, एन इकोनॉमिक इवेंट है ना, एन इकोनॉमिक इवेंट हैपन और टेक्स प्लेस फॉर बिजनेस है ना, बिजनेस की या फिर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो हमने प्रयास किया गया हम उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पर एमसीक्यू आ जाएगा, ये लोग पूछेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन, बट इट इज़ एन एक्टिविटी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, सो यू मस्ट नो इट, ये आपको आना चाहिए। सर अब आगे बढ़ेंगे, इवेंट क्या होता है समझना आप, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा और समझ में भी आ जाएगा। सो ट्रांजैक्शन माने क्या होगा कि भाई मुझे क्या करना है, सारे जो मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा हूँ, उनको क्या करना बेटा, रिकॉर्ड करना। इसको अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम किसको डिस्कस करेंगे, इवेंट्स। इवेंट मींस किसने ना 1,00,000 का परचेस किया था, कितने का परचेस किया था बेटा, ठीक है, बाद में इसे सेल किया, अगर सेल किया 2,00,000 का, तो इसको जो 1,00,000 रुपए मिला है ये क्या है इसके लिए, ये क्या है बेटा, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज एन इवेंट, प्रॉफिट क्या है, इवेंट, प्रॉफिट आया है, जानबूझ के नहीं निकाला गया है ना, जानबूझ के निकाला है क्या, नहीं। सो ट्रांजैक्शन हम करते हैं क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हम परचेस करेंगे, हम रेंट देंगे, हम सारी बातें, हम सारी चीज़ें करेंगे, और क्यों करेंगे, बिकॉज हमें क्या कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी करने हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय इवेंट, इवेंट दैट हैपन दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, रिजल्ट माने इवेंट, ठीक है। आपने एसेट को, कोई बिल्डिंग को 25,00,000 में परचेस किया और 30,00,000 में बेच दिया, इसका मतलब आपने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया, और इस प्रॉफिट कमाने को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट। सो ये छोटी छोटी बातें आई मस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये आपको आनी ही चाहिए, जब आप इन डेप्थ में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, म्हणजे तुम्हाला काय होईल या सगळ्या गोष्टीचं जेव्हा नॉलेज येईल तेव्हा तुम्ही ही एग्जाम क्रॅक करू शकता, ठीक है। सो डिस्कशन करूया, बुक कीपिंग करून सुरुवात जाऊया, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को भैया हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से बुक कीपिंग कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग में क्या कहता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें से येलो करते हैं, ठीक है, अब सारी चीज़ें लिखाना पॉसिबल नहीं है, नोट्स के अंदर मैं डाल दूंगा, कुछ चीज़ें छूट गई तो वापस उसको अपन डाल देंगे, ठीक है। तो देखो बुक कीपिंग का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है बेटा, क्या पास करना है आपको, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज आपको कौन से रूल के हिसाब से करनी है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। उसमें 3 अकाउंट्स हैं, कौन से होते बेटा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के हैं, कितने तरीके के पता है किसी को, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट है, देर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन इन अकाउंट्स। सर 3 क्यों, एक ही क्यों नहीं भाई, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे टैक्स चाहिए, ये सर नो, अगर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाएगी, है ना। और गवर्नमेंट ने इनकम अकाउंट के हिसाब से जो पर्सन की डेफिनेशन है थोड़ी वाइड कर दी है। सो पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के पर्सन होते हैं, नंबर 1 होता है बेटा
नैचुरल पर्सन द वन हु बॉर्न, आप मैं बिजनेस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, मतलब सिंगल ओनरशिप वाला बिजनेस कर सकते हैं, यस और नो, उसके अंदर अपन प्रॉफिट कमाएंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। दूसरा होता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दूसरा कौन सा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, द वन हु रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पीपल। बेटा जो ये वो मैं जिसका बिजनेस जो है वो हम तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति से परचेसिंग करेगा बेटा, या बहुत लोगों से 5, 10, 15, 20 लोगों से माल लाएगा, सबसे लाएगा। अब जिनसे अपन माल लाते हैं, द वन हु सप्लाइज द गुड्स टू अस इज नोन एज सप्लायर, उसको एक और नाम है हमारी कॉमर्स की भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सर ना बच्चों। सो क्रेडिटर इज एन दैट अकाउंट विच रिप्रेजेंट द मल्टीपल अकाउंट्स देयर, है ना, मतलब राम श्याम गोपाल वर्णा दिखेगा कभी बैलेंस शीट में हमारे, दिखते नहीं है हमें, सिर्फ क्या दिखता है सन्ड्री, सन्ड्री माने बहुत सारे, सन्ड्री माने बहुत सारे, क्रेडिटर मतलब सप्लायर्स जिन्होंने हमको क्रेडिट सेल किया है। कैश सेल करते तो अपन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके निकल जाते हैं, बराबर है ना, हम क्या करते हैं वहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही उस व्यक्ति का नाम क्यों लगते हैं, अब समझ आया, क्योंकि वो बंदा क्या है हमारे लिए क्रेडिटर है, वो बंदा क्या है हमारे लिए क्रेडिटर, उसको वापस उसके पैसे फ्यूचर में देने पड़ेंगे, यस और नो, दैट्स व्हाई ही इज अ लाइबिलिटी टू अस, वो हमारे लिए क्या है अभी लाइबिलिटी है। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब द पर्सन हु रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलरली ये 100 लोगों को बेचेगा भी, यस और नो, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ऑब्वियसली बेचेगा, दुकान चलाना है तो भाई क्रेडिट सेल तो हो गई, जिनको अपन क्रेडिट सेल करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बोलो, आता है आपको, उसे हम क्या कहते हैं डेटर्स कहते हैं, यस और नो बेटा। तो डेटर माने वो लोग द वन हु ओन्स द मनी ऑफ द बिजनेस, जिसने हमारे बिजनेस के पैसे ओन करके रखे हैं, जिसके पास हमारा माल हमने बेचा है और उसने अभी तक हमको पैसे नहीं दिए, देगा वो, है ना। तो दूसरा कौन सा अकाउंट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लगता है कौन सा अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज सैलरी इज नॉट पेइंग टू द ओनली सिंगल एम्प्लॉई, क्या पड़ोसकर सर क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति को सैलरी देंगे, सबको देंगे और सबको एक साथ ही देंगे, मान लो अभी बिजनेस की कंडीशन खराब है, एक की भी सैलरी नहीं निकल रही है, सैलरी लास्ट तक के पेंडिंग है, तो सबकी सैलरी क्या हो गई है आउटस्टैंडिंग हो गई, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब बैलेंस शीट में सबके नाम दिख लिख दे, लाइबिलिटी साइड में भाई इसकी भी देना है, इसकी भी देना है, इसकी भी देना है, या फिर एक व्यक्ति का नाम लिख दे, सिर्फ ओनली आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दे, सो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, समझ गए आपको। और तीसरा होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा कौन सा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति आता है किसी को, ऐसा व्यक्ति नहीं, चलो ध्यान दो सब लोग ध्यान दो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, आपने पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना है, आपने कॉर्पोरेट सोसाइटी का नाम सुना है, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना है, आपने कंपनी का नाम सुना है, यस और नो, दीज पर्संस, आई मस्ट से पर्संस बिकॉज इन अकाउंटिंग दीज आर कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्संस, ठीक है, दीज पर्सन कैन अर्न देयर ओन इनकम, यस और नो, कैन कंपनी अर्न सेल्फ इनकम, यस और नो बच्चों, उनका खुद का क्या होता है कॉमन सिगल होता है, उसका कॉमन क्या, वो नेट प्रॉफिट कमाती है, आपने देखा होगा कंपनी बैलेंस शीट के नतीजे आते हैं स्टॉक मार्केट वो लोग फॉलो करते होंगे, ऐसा ना आते कंपनी के नतीजे, मुकेश अंबानी के नतीजे आज तक आए दिखे क्या आपको किसके नतीजे आएंगे रिलायंस के आएंगे, है ना, ऐसा ना, अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम है नहीं है, ये सर नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम कमाती है नहीं कमाती है, तो इनको क्या भरना पड़ेगा टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनका इनकम तो है ना खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, खुद के नाम पे अग्रीमेंट कर रहे, खुद के नाम पे लैंड प्रोक्योरमेंट कर रहे मतलब परचेस कर रहे, खुद के नाम पे सेल आउट कर रहे, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे, किसके नाम पे कर रहे हैं बिजनेस के नाम, वन पर्सन कंपनी भी आया है अभी, मतलब सिंगल पर्सन भी क्या कर सकता है कंपनी को फॉर्म कर सकता है, सो दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सन, एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एस्टेब्लिश अंडर द एनी एक्ट, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कैन रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, फॉर एग्जाम्पल 1956 उससे प्रायर वाले भी, पार्टनरशिप फर्म कैन एंटर इन टू गेटिंग इन टू द एन एग्रीमेंट अंडर द कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप फर्म का 1932, 12th में था हमें, देखो अभी यही हम मिस कर रहे थे यार सब चीज़ें
क्या क्रैक कर पाएंगे, है ना बेटा। आपको भी ऑनलाइन में रिकॉल करने की कोशिश करो, चलो पहला दिन है, बहुत मतलब अभी बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो बेटा इन तीन रूल है, बराबर है। अब इसके बाद में हम गोल्डन रूल्स हमें पता ही है, ये सर नो बता, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, वो बोल रहा है मेरे को क्यों पकड़ रहे आज बोल बेटा, नहीं तू छोड़ दे, अब तू बता नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है क्या, नहीं पता है, थोड़ा सा तो पढ़ के आते कम से कम, मास्टर को कन्फ्यूज तो करते कम से, पहला जी ने भाई नया नया मास्टर आ रहा है, क्या आएगा उसको, आता है दिमाग में कुछ लोगों के बताओ नॉमिनल रूल का, अब 11th में पढ़ा था, यस बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल नहीं आ रहा है, शोकांति का अपना सर्टिफिकेट स्टिल, चलो अब 2 महीने मेरे पास जुड़ के रहेंगे तो सबको सब कवर करा के देंगे और इन डेप्थ कवर करा के देंगे, क्योंकि मैं 7 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है चलो दूसरा रूल बताओ, रियल अकाउंट का रूल बताओ। हाँ मैंने मेरा पढ़ाने का तरीका वैसे, मैं कभी फॉर्मेट लर्निंग में विश्वास नहीं करता, मेरे बच्चों का कभी डिफिकल्ट जाता है जब कॉमर्स में पढ़ते मेरे पास, बट मेरा है कि मेरे तुम चैप्टर चालू जाएंगे 3-4 दिन मेरे क्लास में बैठ गए ना, तुमको वो चैप्टर तुम जिंदगी में भूलेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे बच्चों को बस उस प्रॉब्लम दिख जाए और आंसर सॉल्व करके दे दे, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लर्न करेगा, रट्टा मारेगा, इसके बाद मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट निकल गई, व्हाट इज मीन बाय प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है पता है तेरे को कुछ, तूने गुडविल का वैल्यूएशन किया क्यों किया है, तूने शेयर का भाव निकाला है क्यों निकाला है, फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन, है ना, और इसका आंसर आना ही चाहिए भाई, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे तो इसके पीछे क्यों क्यों मतलब क्यों आया अपने लाइफ में, नहीं आता तो अच्छा होता जिंदगी बहुत अच्छा होता, बैंकिंग वैसे भी मिल जाता बीएससी के बाद भी, है ना, तो समझना पड़ेगा ना क्यों पढ़ रहे जनरल एंट्री आज, बिकॉज एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ देयर ओन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, तीसरा दूसरा रूल है हमारा रियल अकाउंट का, चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है जल्दी रिवाइज करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दूसरा वाला क्या बेटा रियल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट द, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बच्चों जब रियल अकाउंट डील विद द एसेट्स, किससे डील करता है, एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टीज के साथ, अगर एसेट आती है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, दैट इज कॉल्ड एज डेबिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, सब आने का और जाने का खेल है ना, बिल्डिंग को परचेस किया कैश देके तो आया क्या, बिल्डिंग आई, गई क्या, कैश गई, सो इसलिए बिल्डिंग व्हाट कम्स इन, मतलब व्हाट कम्स इन मतलब बिल्डिंग आई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कैश गई है इसका मतलब क्या, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये है लॉजिक, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा जिंदगी भर नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरे से बेसिक सीख के जाएंगे, गारंटी देता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल, अगर जब अपन कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तब अपने को वो चीज़ अपन लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, और रट के जाएंगे ना तो कभी एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बराबर है। चलो तीसरा रूल है पर्सनल रूल, किसका रूल है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स का रूल बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, जिसको कुछ रिसीव होता है बिजनेस को, हमें कुछ रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेबिट उसका नाम कर देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, अगर हमने किसी को दिया तो हम क्या करेंगे, उसका नाम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेटा जनरल रूल के गोल्डन रूल्स से कुछ, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, पढ़ेंगे हम चैप्टर पढ़ेंगे इन डेप्थ जाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके लूँगा, क्योंकि मेरे एग्जाम के लिए अभी तो मेरे को कुछ 8 मार्क के 4 मार्क के प्रॉब्लम नहीं आने वाले, है ना, मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना है, वहाँ पे अगर आपको MCQ मिलता है तो आपको उसका आंसर सॉल्व करते आना चाहिए, सो मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करके दूंगा प्रॉब्लम, और आपको बस स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा के दूंगा, आपको बस उनको क्या करना है, सॉल्व करते बैठना है, ठीक है। चलो तो वंस यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बच्चों, आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा स्टेप क्या है, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, लेजर पोस्टिंग। सो लेजर पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, यहां पर क्या हुआ बेटा, जर्नल एंट्रीज मीन रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को क्लासिफिकेट, क्लासिफाइड कर रहे हैं। सर व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन, समझ नहीं आ रहा है,
चलो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, आपने जर्नल एंट्री किया है, आपने जर्नल एंट्री क्या किया है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे बताओ, अगर छोटा सा बिजनेस है तो चल जाएगा, छोटा बिजनेस है आपका, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, तो फिर ये सही है ना। बट जब बड़ा बिजनेस होता है तब आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करते हो बेटा, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो, तब आप क्या करते हो, सब्सिडरी बुक्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर देयर, कितने तरीके के बेटा, टोटल 7 है, टोटल कितना है, 7। पहला होता है परचेज बुक, दूसरा होता है सेल्स बुक, तीसरा होता है परचेज रिटर्न, चौथा होता है सेल्स रिटर्न, पांचवा होता है कैश बुक, छठवा होता है बिल पेएबल, सातवां होता है बिल रिसीवेबल। तो ये अलग अलग बुक्स हैं, एंड दीज आर द प्राइमरी बुक्स। कौन सी बुक है, प्राइमरी। सर व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी बुक्स, बेटा प्राइमरी बुक्स ऐसे बुक है जहां पे तू पहली बार क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग करते जा रहा है, ठीक है। अगर आप पहली बार कोई एंट्री अपने बुक्स में लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों, हाँ, तो कहां पे, प्राइमरी अकाउंट्स या फिर प्राइमरी बुक्स। सो ये होता है जर्नल एंट्री जो हमने किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जितना भी लेजर के बैलेंसेस है ये हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ठीक है। तो यहां पर मैं दो लेजर ओपन कर सकता हूं, कौन सा पहला वाला कौन सा होगा मेरा, बिल्डिंग का, ये तो बहुत बेसिक है, सबको आता है बिल्डिंग अकाउंट, दूसरा वाला बेटा कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर दिया, यहां पे क्लासिफाई कर दिया है लेजर को। अब समझना, समझना बेटा, मेरा बिल्डिंग क्या हुआ था, बोलो बिल्डिंग क्या हुआ था, मेरा बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ था, एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ है, मान लो ये 10,000 है, ये कितने बेटा, 10,000 ही है, चलो ठीक है। तो मेरा बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ है, बोलो बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वापस रूल पे जाओ, कौन से रूल में आता है बिल्डिंग, रियल अकाउंट में, कौन से रूल में आता है, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर डेबिट साइड में 10,000 रुपए लिख रहा हूं बिल्डिंग के, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बिल्डिंग आई है, सुना, मेरे पास क्या आ रही है, बिल्डिंग आ रही है। मैं इसलिए थोड़ा समराइज कर रहा हूं क्योंकि आपका सबका हुआ हुआ है, ठीक है। 11th में होते थोड़े अलग तरीके से पढ़ते बेटा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डेबिट साइड में 10,000 की बिल्डिंग आई है, ये सुन लो। सो डेबिट देखो, समझना कितने रुपए से डेबिट हुआ है बिल्डिंग अकाउंट, हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर लिखेंगे, कितने रुपए से डेबिट हुआ है, 10,000। और क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कैश का पेमेंट किया, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, कैश, ठीक है। तो बेसिकली बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश, और कैश क्यों हुआ है, क्योंकि हमें दिख रहा है भाई बिल्डिंग डेबिट साइड में 10,000 लिखा है, तो क्यों, क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या दिया है, कैश दिया है। और ऑन द अदर हैंड हमारा कैश अकाउंट क्या हुआ है, बोलो, सो कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी कितना आएगा, कितना आएगा, 10,000, कितना आएगा बेटा, और क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो कैश, देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गई है हमारे पास से, ये सुनो, अगर कैश जाती है तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अगर कैश जाती है तो कहां जाएंगी, क्रेडिट में, तो हमने 10,000 लिख दिए, और हम जब एक महीने बाद देखेंगे भाई मैंने वो 10,000 किसके लिए दिए थे, क्या कारण था कि मैंने 10,000 खर्चा किए थे, तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या किया था, बिल्डिंग को परचेस किया था, इसीलिए मैंने 10,000 दिए थे, ये सुनो। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अपोजिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमें इतना पढ़ाया जाता है कि भाई सामने वाला नाम इधर लिख दो, इधर वाला उधर लिख दो, बट आज समझ में आया क्यों करते हैं, बिकॉज कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना 10,000 और 10,000, 10,000 डेबिट हुआ है मतलब बिल्डिंग आई है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट का रूल, और 10,000 क्रेडिट हुआ है मतलब बिल्डिंग कैश गई है, और बिल्डिंग कैसे आई है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या दिया है, कैश दिया है, और कैश क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बिल्डिंग को परचेज किया है। समझ में आ रहा है सब, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, और हम इन सब का क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। जितने भी जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी सब्सिडरी बुक्स हम बनाएंगे, उन सब का समराइजेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन हम कहाँ करते हैं बेटा, कहाँ करते हैं, लेजर पोस्टिंग। समझ में आया सबको। सो सबसे पहले जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है,
तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस सिस्टमैटिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा बोलो लेजर पोस्टिंग मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल अकाउंट्स, जो भी हमने अभी तक ओपन किए हैं सबको क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब इन सबको क्लासिफाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? एक जगह पे लाना पड़ता है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है बेटा, इनको क्लोज आउट करना है, बराबर है। साल सर एक मिनट इतना का याला कट कर देगा तुम्हें, थोड़ी तरी कट करूँ टाका बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, देन उनको क्लासिफाई किया सबको। अब आपको पता है ये सब हम क्या करते हैं बेटा, ये अकाउंट्स हम क्या करते हैं हमेशा क्लोज करते हैं। याद है क्या सबको? याद है ना बेटा? देखो इसको कर दिया मैंने क्लोज, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, चलो बताओ, थोड़ा प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं दिख नहीं रहा ना, थोड़ा अच्छे से करें। चलो देखो बेटा, इधर ये हमारा बिल्डिंग अकाउंट है, डेबिट में क्या लिखा हमने, टू कैश कितने का था, 10,000 था, ठीक है। तो यहां पर मैं जो बैलेंस निकाल रहा हूं इसमें क्या कहते हैं बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं लिखता हूं हमेशा यहां पर ये सुनो। और सिमिलरली कैश का भी ऐसा ही होगा मेरा बेटा, मेरा कैश का कहाँ पे लिखा है मैंने 10,000, ये साइड पे लिखा है, ये सुनो। तो मेरा इधर क्या दिखेगा, तो ये जो बैलेंस है मैं इसे क्या नाम देता हूं, बाय टू बैलेंस अबे कैरेट भाई लेके जाना है सर, कहा ट्रायल बैलेंस में, कहा लेके जाना है ट्रायल, क्योंकि अभी साल खत्म हो गया है, हमने सारे लेजर ओपन कर लिए, और साल खत्म होने के बाद यू नो कि बेटा हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। तो इन सबको जब क्लोज कर देंगे तब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, कहा जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, दैट इज कॉल्ड एज समराइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, समरी। समराइजेशन मतलब समरी, समरी मतलब क्या, एकदम शॉर्ट में सारा कच्चा चिट्टा जो बिजनेस का है साल भर का, वो हम एक जगह पे जमा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, साल का पूरा का कच्चा चिट्टा जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, एक जगह पे ला रहे हैं, ये सुन ना बेटा। तो उसे हम क्या कहते हैं, समराइजेशन, और उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा आपको पता है ट्रायल बैलेंस हमेशा बोथ साइड से टैली होता था जब अपन पढ़ते थे, क्यों होता था? कोई लॉजिक लगता है क्यों होता है वैसा? अब हम तीसरी स्टेज की तरफ जाएंगे, समराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल। अभी तो ट्रायल बैलेंस पे ही है, बैलेंस शीट भी बताएंगे क्यों टैली होता है, मुझे पता है नहीं आता है भाई। बैलेंस शीट अगर दोनों साइड से टैली हुआ है मतलब सही है, ये हमें पता है, इतना आनंद हुआ था जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा, किया है अपने सर मैं देखो है ना मतलब इतना की पर, अरे भाई टैली हो गया, इससे कुछ लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती, मतलब मेरा सही आ गया है ना। बट सही आया क्यों, आया क्यों, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब क्यों वो है बराबर है, गलत क्यों नहीं हुआ, पता है कुछ? पता है आपको, बट पढ़ाया नहीं गया, 11th में था, पढ़ा गया होगा तो भी आपको शायद ख्याल नहीं होगा, जान दो, आगे जाएंगे और सब बताएंगे आप, टेंशन मत लो बेटा। ट्रायल बैलेंस होता है बोथ साइड से टैली होता है, क्यों होता है इसका पहले तो अभी बताएंगे, ठीक है। देखा आपने जो ट्रांजैक्शन करे है ना, सबके इक्वल इफेक्ट है, याद है कि आपको, आपने कुछ अमाउंट डेबिट लिखा है, कुछ अमाउंट क्रेडिट लिखा है, बट जर्नल एंट्री में हमेशा हम बोथ साइड से हम लोग क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट डालते हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सो डेबिट अगर 10,000 के, क्रेडिट भी कितने जाएंगे, 10,000, है ना, डेबिट 1,00,000, क्रेडिट 1,00,000। सो इस तरीके से डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस क्या होता है, मैच होते जाता है, क्या होते जाता है, मैच। अच्छा सर वो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट आती है, वो क्या होता है, वो क्यों आती है फालतू नीचे, वैसे सिंपल कितना होता है, वो सी टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस शीट हमारा, एडजस्टमेंट डालने का क्या लॉजिक क्या है वो भी बताएंगे, आता है किसी को बता देंगे बेटा, ध्यान मत दो, ध्यान दो इधर पहले तो। अब देखो मुझे बताना है आपको, हाँ बेटा ये जो बैलेंस है
ये कौन सा बैलेंस है और ये जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपको आता है। ये सर नो बोलो, ये कौन सा बैलेंस है, बिल्डिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोल रहे। अच्छा ये कौन सा है बेटा, डेबिट बैलेंस, ये सर नो, दोनों गलत हो गया। ध्यान देना मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैं क्या कहता हूँ, जो साइड की टोटल ज़्यादा होगी, जो साइड की टोटल क्या होगी ज़्यादा, उस साइड का क्या निकलता है बैलेंस, उस साइड का क्या निकलता है बैलेंस। यहाँ पर कौन से साइड की टोटल ज़्यादा थी, इधर थी, इधर से इधर भेजा, इधर से इधर भेजा, मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस। यहाँ पर कौन सी साइड ज़्यादा थी, हाँ कौन सी साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट, यहाँ से उठा के किधर लाया, डेबिट में, तो कौन सा बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मेरा आएगा बिल्डिंग कितना आएगा 10,000, और क्रेडिट में क्या आएगा मेरा क्या कितना आएगा, हो रहा है मेरा ट्रायल बैलेंस टैली, हो रहा है मेरा ट्रायल बैलेंस टैली। चलो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, चलो समझो आपने कैपिटल लाया बिजनेस में 1,00,000 का, कितना कैपिटल लाया 1,00,000 का। अच्छा 1,00,000 का कैपिटल लाने से बिजनेस में क्या आया है, पैसा आया है, ये सर नो, कैश चाहिए, कैश का बैलेंस कौन सा है पता है क्या, कैश का बैलेंस कौन सा होता है, अच्छा नहीं पता है, डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है बेटा डेबिट बैलेंस, ठीक है हम बताएंगे आपको, ठीक है ध्यान दो इधर। सो कैश चाहिए बिजनेस में, कितने लाख की कैश चाहिए। अच्छा जर्नल एंट्री क्या होता है पता है क्या, बिजनेस में 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस चालू कर दिया, इन्वेस्टेड रुपीज 1,00,000 इनटू द बिजनेस, बोलो क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है ध्यान दो, मतलब इतने सालों से कॉमर्स छूट ही गया क्या पूरा, ये पीछे आता है बेटा, पिछले साल थी फाइनल में आप, बोलो फिर क्या होता है जर्नल एंट्री। मान लो आपका बैंक का इंटरव्यू है और फाइनल में आप पीओ का इंटरव्यू के लिए गए और पूछे जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है 1,00,000 का बिजनेस में, हुआ ऐसा मेरे एक फ्रेंड है चैताली झरे करके, पहले अटेम्प्ट में बैंक पीओ लग गई है और उसको वही पूछा था, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्यों होते हैं, बोले उसने बता दिया। चलो जान दो इधर आओ बेटा, एंट्री क्या होगा मैं अभी बताया था आपको, ध्यान देना समझना, ये अपने को वापस रूल के ऊपर जाना पड़ेगा। कैश आपके लिए क्या है, एसेट है, ये सर नो, और एसेट का रूल कौन सा है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कैश एसेट है आई तो किधर जाएंगी, आई तो किधर जाएंगी डेबिट, सो आई है ट्रांजेक्शन में, ये सर नो, आई है ना ट्रांजेक्शन में तो कहां जाएंगी डेबिट, और क्यों आई है, आने का रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और हम उसे क्या कहते हैं कॉमर्स की भाषा में कैपिटल, हम उसे क्या कहते हैं कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। सर क्यों, क्यों लाइबिलिटी है बताएं आपको वो भी, उससे पहले ये लिख लेते हैं बेटा, कैपिटल माने लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है क्रेडिट बैलेंस। सो इधर क्या आएगा मेरा कैपिटल, कितने लाख का, समझ गया आपको। सो हो रहा है मेरा ट्रायल बैलेंस टैली, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं सबके आंसर दूंगा, धीरे धीरे जाएंगे आगे, ठीक है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंट भी पढ़ना है और मैनेजमेंट अकाउंट तक बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसलिए 2 महीने रेगुलर आएंगे, 1 से 1.5 घंटा भी बैच हो सकता है, एक्सटेंड भी करेंगे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रहा तो, ठीक है। बट जितना हो सकता है मेरे से उतना आपको डिटेल में इन डेप्थ लेके जाऊंगा, और अलॉन्ग विद दैट आप कोई बुक रेफर करेंगे, कुछ लाएंगे क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई तू कल आ जा, ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, उनको आता नहीं है क्योंकि रट के फॉर्मूले आते हैं, वही हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा। चलो यहाँ पर समझ गया टैली हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ आपके पास अभी पैसा आ गया है, आपके पास बिल्डिंग है, कैश आया है आपका पास 1,00,000 का। अच्छा इस कैश में से आपने क्या कर दिया है, इस कैश में से आपने ना 40,000 का फर्नीचर परचेस कर लिया, कितने का बेटा 40,000 का फर्नीचर परचेस किया। अब फर्नीचर आपके लिए अगेन क्या हो गया बेटा एसेट। सो आई क्या है आपके पास फर्नीचर, और कैश आपके पास क्या थी एसेट ही थी, तो गई है। एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सो कैश गई है मतलब कैश डिक्रीज हो जाएगी, यस और नो, यस और नो।
आया क्या है, फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो इधर मैं क्या लिखूंगा बेटा, फर्नीचर। इधर क्या लिखूंगा मैं, अच्छा मैंने फर्नीचर कितने का लिया है और मैंने क्या दिया है इसके बदले में, कैश। अगर मेरी कैश जाएंगी तो क्या कहना चाहिए कि मेरी कैश रिड्यूस हो जाएगी 40,000 से, क्योंकि अभी आपको कितना रिफ्लेक्शन हो रही है, 1,00,000, तो मेरी कैश घट के कितना रह जाएंगी अभी, 60,000। अभी भी टैली हो रही है मेरी बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वल इफेक्ट देते जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस किया मतलब डेबिट इफेक्ट दिया, और सुनना मैंने डेबिट से माइनस किया, मैंने क्या किया डेबिट से माइनस, तो मेरा कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो गया मेरा, क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, सो मैं इक्वल अमाउंट डेबिट कर रहा हूँ, इक्वल अमाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ, और इसके बेसिस पे मैं मेरा ट्रायल बैलेंस क्या करते जा रहा हूँ, टैली करते जा रहा हूँ। सो बेटा मेरा ट्रायल बैलेंस कितने से टैली हो रहा है, बोलो कितने से हो रहा है, 1,00,000। ओके, इधर भी कितना आएगा, डन बच्चों, समझ गए सबको। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज समराइजेशन, हम इसे क्या कहते हैं, समराइजेशन। सो व्हाट इज मीन बाय नाउ बुक कीपिंग, इट मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक एक शब्द समझाया, एक डेफिनेशन के पीछे घंटा लग गया है, समझ में आया होंगे आपको, है ना। सो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भाई बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट सुना होगा आपने, एंड इकोनॉमिक इवेंट इन अ सिस्टमैटिक वे इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो आप बुक कीपिंग मतलब क्लियर है, क्या करेंगे हम बुक कीपिंग में, कोई भी बंदा क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करने पर क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है, और इवेंट होते हैं, है ना। तो उन सबको रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या होगा बेटा, बुक कीपिंग करना। भाई कुछ भी नहीं है, बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रूल। कौन से रूल के हिसाब से, डबल एंट्री रूल के हिसाब से क्या करना है, उनको रिकॉर्ड करते जाना है। और डबल एंट्री सिस्टम किसने डेवलप किया था पता है क्या, एक बंदा था लुका, अभी तो याद आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, किसने बोलो, लुका डी बार्गो पैसिओली। कब किया था पता है क्या, 1494, शिवाजी महाराज भी नहीं आए थे तब, अपनी तो बात ही छोड़ दो। बेसिकली ही वॉज लाइक, वो ये बेचता था पिज्जा वगैरह, और उसने अपने कच्चे चिट्टे सब जमाए, तो उसको समझ नहीं आ रहा था यार मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो उसने उस समय पे डेवलप किया था, उसने सारे अकाउंट्स को, उसके पास जितने भी बुक्स थे और जितना भी कुछ रिकॉर्ड करता ट्रांजैक्शन, उसको तीन तरीके में बांटा, और उसने क्या कर दिया, एक अकाउंट हो गया पर्सनल, एक हो गया रियल, एक हो गया नॉमिनल। तो 1494 में उसने डेवलप किया, तब से ग्लोबली अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग को कौन रेगुलेट करता है पता है क्या, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ठीक है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, बहुत सालों से चलते आ रहे, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है जो इंडिया में भी कुछ फॉलो किए जाते हैं फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग ईरा। ठीक है, जो भी ग्लोबली अकाउंटिंग होता है तो उन सबको मैनेज करने के लिए इस तरीके का ट्रांजेक्शन किए। अरे बस इसको बंद कर दिया, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो थोड़ा लिंक टूट जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ICAI। ठीक है, वो भी हमारे सिलेबस में हमें मतलब पढ़ेंगे, है नहीं है पता ही नहीं, आएगा नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार नंबर के लिए पूछ लेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों आया जाता है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलो मैंने बता दिया आपको भी व्हाट इज मीन बाय बुक कीपिंग बच्चों, और आपको बुक कीपिंग आई होप समझ गया होगा। अपने को यहाँ पे अभी ओपन करना है बेटा, देखो सभी लोग इधर, बुक कीपिंग क्या है बेटा, इट कंटेन्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेसमैन मेंटेन बाय प्रोप्राइटर एंड मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, इट हेल्पफुल फॉर अ वेरियस स्टेक होल्डर्स। बेटा व्हाट इज मीन बाय स्टेक होल्डर्स, देखो कौन कौन है,
गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, एम्प्लॉय एंड रिसर्चर। स्टेक होल्डर मतलब जिनको ना अपने बिजनेस से मतलब है। सबसे पहला मतलब किसको है? गवर्नमेंट को है। क्यों है सर? भाई तुम कुछ करो मत करो, तुम प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ, बट प्रॉफिट कमाया तो क्या दो? पता है क्या, जीएसटी का कैलकुलेशन दिन का कितना आता है? आप ना मतलब चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा दें। मान लो बच्चों आप ना दिन भर में 100 रुपये खर्चा करते हो, तो कम से कम 10 से 12 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हो। मतलब सर मैं नहीं करती, मैं 1 रुपये भी नहीं खर्चा करती। भाई तो खाना तो खाती है, कम से कम खाती है ना। तो जो भी दाल चावल तेरे घर पे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जीएसटी पेमेंट करके ही आ रहा है। अच्छा बहुत सारे कॉस्मेटिक लड़कियों तो बहुत लगाती है ना, कितने महंगे होते हैं, मूवी देखते हैं हम लोग। चलो तो ये सब बेटा रोज का 10 रुपये पकड़ लो, 140 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर। मल्टीप्लाइड बाय 30 और मल्टीप्लाइड बाय 365 कर दो, और पड़ोस कर सर जो इनकम कमाती है उसके ऊपर तो अलग ले लेंगे। बराबर है? अच्छा तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, जब बैंक में लग जाएंगे ना बोलेंगे लाओ, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट सबसे पहला था, इन्वेस्टर मतलब मैं। भाई मेरे को तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या देखूंगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा देखना कि नहीं? मैं रिलायंस के शेयर खरीदूँ या एसबीटी के खरीदूँ? आज एसबीटी हमारा हमने लॉन्च नहीं किया है, बट करेंगे, जब करेंगे तब फुल फोर्स से जाएंगे, अच्छा स्टाफ हायर करेंगे। बायजूस में लोगों ने किया था नहीं किया था? किया था ना। और आपने रिलायंस का नाम क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ गुडविल। यू नो कि भाई कंपनी आगे चलेगी। कंपनी आज हम मुकेश अंबानी का नाम नहीं लेंगे, आज हम उनके पापा का भी नाम नहीं लेंगे, उनके भाई का भी नाम नहीं लेंगे, हम रिलायंस का ही नाम लेंगे। रिलायंस आज भी और कल भी रहेंगी, चाहे ये लोग रहे ना रहे। बच्चों देन बच्चों एम्प्लॉय, बराबर है? मुझे उस कंपनी में काम करना है, कंपनी प्रॉफिटेबल तो होना, तभी सैलरी निकलेगी, नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख जाएगी। ये सर नो। रिसर्चर मतलब बहुत सारे लोग, लाइक कि अभी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी है, लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पता है आपको क्या होता है क्रेडिट रेटिंग? मतलब समझता है क्या? आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कितनी है वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो मुझे आप में से किसी का एनालिसिस करना है, मुझे आपको लोन देना है, तो मैं क्या करूँगा? आपको पता है क्या, एक हिंडनबर्ग ने एक बहुत बड़ा स्कैम निकाला था अडानी के ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर उसने किसका ठप्पा दिया था? क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, मैनिपुलेशन हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर और बहुत सारा फ्रॉड हुआ है। इसका सीधा मतलब क्या निकल के आता है कि जो आपका शेयर का वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू एक्चुअली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी एसेट ही नहीं है उतनी रुपीस की, आपका प्रॉफिट उतना है ही नहीं जितना दिखाया जा रहा है, तो कंपनी का भाव नीचे आया था। ये सर आया था ना, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम आगे भी अभी समझेंगे। अच्छा मैं लोन देने वाला बैंक है, बैंक भी क्या करेगी, आपका बैलेंस शीट देखेगी, नेट प्रॉफिट देखेगी, तभी तो आपको लोन देगी। अच्छा आप भी कभी लोन देने लिए बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मांगती है वो लोग? हाँ बैलेंस शीट मांगती है, आपकी ITR मांगती है, रिटर्न मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि आपका इनकम कितना है वहाँ से पता चलता है। चलो जल्दी समअप करेंगे बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग छोड़ देते। चंद्रगुप्ता मौर्य के समय पे एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है? देसी नामा। नोट्स के अंदर हम इसको समझेंगे। एरो नहीं जा रहा है। ठीक है तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। बुक कीपिंग मीन्स बुक कीपिंग बेटा व्हाट? देखो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बेटा? मतलब जिसमें पैसा आता है, जिसमें क्या आता है? पैसा। पूरी ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे रिकॉर्ड करना है बेटा? डेट वाइज एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक्यूरेसी मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आनी चाहिए, जो भी हम प्रॉफिट हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। व्हाट इज मीन बाय आर्ट एंड साइंस? आर्ट मतलब कला है। किसी को भी आती है क्या भाई? जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आती नहीं उसको आएगा क्या? नहीं। और साइंस क्यों है? क्योंकि ना साइंस, व्हाट इज साइंस? नथिंग बट द क्या, कोई भी चीज को लाइक मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये कहाँ आएगा? तो मैं दुनिया की कहीं पर भी जाऊँगा तो ये नीचे आएगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया है। सो रिपीटेटिव रिजल्ट मतलब एक जैसी क्रिया करने के बाद रिपीटेटिव रिजल्ट अगर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइंस। और हम जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट दैट रिजल्ट, बैलेंस शीट बनाएंगे। सो दैट इज व्हाट आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग and summarizing of financial transaction of a business of a particular period, say 1 year का generally 1 year, ठीक है बेटा समझ गया यहाँ तक के?
बरेचसे होतात की नाही अच्छा क्लिक पे चल रहा है ठीक है जान दो जितना बताना था ना उतना हो गया मतलब जो इम्पोर्टेंट था आज के लिए वो हो गया है ठीक है। अब नोट्स जो है हर हर वर्ड में आपको यहाँ पर लिखा के दिया है। अब जो जो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ना वो मतलब यहाँ पे हर चीज़ रीडिंग करना भी पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर जाके वापस आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे बट जो मैं यहाँ पर मेरे पीछे जो रहेगा मैं सब आपको पहले ही पढ़ाया होगा ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे आगे। कल से रेगुलर क्लास करो। आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस हुआ, कल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंट के बेसिक ट्रांजैक्शन टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा आगे जाएंगे ठीक है, डेप्रिसिएशन से लेके बैंक रिकॉन्सिलिएशन तक ठीक है। बाद में पढ़ना है हमें कंपनी अकाउंट लाइक वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल वगैरह आ जाएगा, लिक्विडेशन आ जाएगा, अमलगमेशन आ जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएंगे, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कॉस्ट शीट है, मैनेजमेंट अकाउंट है। पता है आपने PVR वगैरह के फॉर्मूले निकाले होंगे, उसका फॉर्मूला क्यों आया है, उसका पीछे का लॉजिक पता है कि किसी को? व्हाट इज मीन बाय BEP? BEP क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसका फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है पता है क्या? फॉर्मूले के पीछे का भी हिडन लॉजिक हम आपको बता के जाएंगे जब हम बैच खत्म करेंगे ठीक है। तो क्योंकि हमारे बैच का पर्पज़ ही यही है कि जो चीज़ वहाँ पे दिख रही है उसके पीछे का लॉजिक आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेंगे हमें पता नहीं है। और मैं जितना हो सके हर चीज़ को एक डिटेल और इन डेप्थ पढ़ाऊंगा जिससे आपके क्या हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इन फ्यूचर आपको भी कभी मतलब ये पढ़ाने की भी कभी बात आई तो मेरी नोट्स से आप क्या कर पाएंगे और आपके पास जितना नॉलेज होगा आप इसको हर जगह पे क्या कर पाएंगे एक्सप्रेस कर पाएंगे। बस 2 महीने हम कंटिन्यू करेंगे सेशन और मेरा लेक्चर जब होगा तब रेगुलर रहना, कभी मिस कर देंगे तो क्या हो जाता है फिर लिंकअप नहीं होता है ठीक है। जो बच्चे रेगुलर लेंगे उनका 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि वो अच्छा अकाउंट्स के अंदर स्कोर करके आ जाएंगे। और MCQ यहाँ पर सॉल्व होगा, यूट्यूब पर लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे सर है ना, YouTube पे लाइव सेशन होगा जिसमें हम MCQ सॉल्व कर लेंगे, आपके मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, मतलब जितना हमसे बनता है उतना सब हम आपके लिए करेंगे। बट आपका एक काम है कि मेरी नोट्स जो मैंने आप यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ रोज अपने को क्या करना है घर पे जाके रिवाइज करना है, थोड़ा आगे का भी पढ़ना है और जो नहीं आता है वो भी एक बार रिवाइज करके आना है ताकि हो क्या हो पाए मैं थोड़ा स्पीड से चलूँ, मतलब जो बातें आपको नहीं आती है वो आपको मैं बता पाऊँ ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं उनको डाउट जाते तो बेटा उनके लिए भी अपन लाइव सेशन चलता है चैट अपने अंदर ठीक है, तो आपके भी डाउट मैं सॉल्व करा के ही जाऊंगा ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज के दिन रुकते हैं।